हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, आज फिर से लेकर आए हैं एक न्यू वीडियो। इस वीडियो में जानेंगे 10 बुद्धिमानी पहेलियां। तो आप बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पहेली है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप पास करोगे तो वह आपको फेल कर देगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, बहुत ही मजा आने वाला है। इसका सही जवाब हो जाएगा समय। समय आप पास करोगे तो वह आपको एक दिन फेल कर देगा। अगला क्वेश्चन, ध्यान दें, ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितना ज़्यादा फैलता है उतना ही कम दिखाई देता है। इसका सही जवाब हो जाएगा अंधेरा। अंधेरा जितना ज़्यादा फैलता है उतना ही कम दिखाई देता है। दोस्तों, आपका क्या आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिमाग लगाएं, ऐसा कौन सा शब्द है जिसे हम लोग लिखते तो हैं पर पढ़ते नहीं हैं, बताओ क्या। दोस्तों, इस चैनल पे हर दिन एक न्यू वीडियो आता रहता है। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसका सही जवाब हो जाएगा नहीं। नहीं को हम लिखते तो हैं लेकिन पढ़ते समय नहीं को नहीं पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक ऐसा इंसान का नाम बताएं जो दिन भर दाढ़ी बनाए फिर भी दाढ़ी न जाए, बताओ क्या। इसका सही जवाब हो जाएगा नाई। नाई दिन भर दाढ़ी बनाए फिर भी दाढ़ी ना जाए। अगला क्वेश्चन, ध्यान दें, एक रात एक स्कूल, एक अस्पताल, एक मंदिर में आग लगी, तो बताइए फायर ब्रिगेड सबसे पहले कहाँ पहुँचेगी। इसका सही जवाब हो जाएगा अस्पताल में, क्योंकि रात को स्कूल चालू नहीं रहता और मंदिर में ज़्यादा आदमी नहीं रहता, लेकिन अस्पताल में ज़्यादा आदमी रहते हैं इसलिए फायर ब्रिगेड सबसे पहले अस्पताल में जाएगी। अगला क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सोने का पलंग नहीं, नहीं महल बनाई, एक रुपया पास नहीं फिर भी राजा कहलाई, बताओ क्या। दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका सही जवाब हो जाएगा जंगल का राजा शेर। दोस्तों, आपका आंसर क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी चीज़ है जो सूखी हो तो 2 किलो, गीली हो तो 1 किलो और जल जाए तो 3 किलो बन जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फर। दोस्तों, इसके अलावा और क्या हो सकता है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, वह कौन सा जीव है जो किसी भी चीज़ का स्वाद अपने जीभ से नहीं बल्कि अपने पैरों से लेता है, दिमाग लगाएं। इसका सही जवाब हो जाएगा तितली। तितली किसी भी चीज़ का स्वाद अपने जीभ से नहीं बल्कि अपने पैरों से लेती है। अगला क्वेश्चन, अगर आप एक अंधेरे कमरे में एक लालटेन, एक मोमबत्ती और एक दिए के साथ हैं तो आप सबसे पहले क्या जलाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा माचिस का तिल्ली। दोस्तों, आपका आंसर क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मेंढक बिना सांस लिए पानी में कितने देर तक रह सकता है। दोस्तों, दिमाग लगाएं और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। तो उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।